डूंगरपुर बिछीवाड़ा मार्ग पर बीती रात बदमाशों ने निजी बस पर किया पथराव, बस के शीशे फूट गए। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा मार्ग पर बीती रात देर रात अज्ञात बदमाशों ने चलती बस पर पथराव की वारदात को अंजाम दिया है। निजी बस प्रबंधक वल्लभ राम पाटीदार ने बताया कि अहमदाबाद से डूंगरपुर आ रही निजी बस पर कनबा गांव के निकट अज्ञात बदमाशों ने चलती बस पर पथराव कर दिया। पथराव से बस के आगे का शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। वहीं शीशे के फूटने से बस चालक सोहनलाल ने बस को लेकर डूंगरपुर पहुंचे तथा घटना की जानकारी बस प्रबंधक व कोतवाली थाना कनबा चौकी को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर कनबा पुलिस मौके पर पहुंची तथा बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। इधर निजी बस प्रबंधक ने इसकी लिखित रिपोर्ट कनबा चौकी में दर्ज करवाई। फिलहाल घटना के निजी बस में 10 से 12 सवारियां ही मौजूद थी। याद रहे करीब 8 दिन पूर्व भी होली के दिन डूंगरपुर बिछीवाड़ा मार्ग पर अज्ञात बदमाशों द्वारा 2 निजी बसों पर पथराव की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें 3 से अधिक सवारियों के सर पर गंभीर चोटें आई थी। करीब रात को अहमदाबाद से बस आ रही थी और रात को 12:30 बजे कनबा के पास में पत्थर मारा है, 2 पत्थर मारे हैं और जो पत्थर चोटी में बता रहा हूँ आपको, और वो पत्थर लगने से कभी कभी या होली के पहले भी ये घटना हो चुकी है। 2 पैसेंजर को पहले लगा भी था, क्योंकि चलती हुई गाड़ी में पत्थर जोर से मारने से डावर का अनबैलेंस होना और जिससे गाड़ी अनबैलेंस होकर गाड़ी पलटा भी मार सकती है, जिससे उस गाड़ी के साथ में लूटपाट भी होने की बहुत बड़ी वारदातें बन जाती है। सर मैंने बार बार पहले भी शंकर घाटी में हुआ था, देवल साइड में भी हुए हैं और ये बार बार ये अहमदाबाद और बिछीवाड़ा रोड पर हो ही रहा है। मैंने कई बार पहले भी हमने FIR दर्ज करवाई है, आज भी मैंने कनबा चौकी में FIR दर्ज करवाई है इस कार्रवाई के लिए।